सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम अमन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम 3D मूवी का ट्रेलर आया है जिसमें हमें कार्तिक आर्यन देखने के लिए मिलेंगे। सो बात करूँ इस मूवी के बारे में, सो यार देखिए, सबसे पहले तो कि इसमें कार्तिक आर्यन है, मतलब वो बंदा एक ऐसा है यार, जब बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं चल रही थी सो उनकी मूवीज़ आई थी भूल भुलैया 2। सो पब्लिक, मतलब स्टोरी कुछ खास नहीं थी बट पब्लिक ने उस मूवी को देखा क्योंकि कार्तिक आर्यन ने की जो एक्टिंग थी ना, लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी उस मूवी में उन्होंने, और मतलब दिखा दिया था कि यार बॉलीवुड में मतलब टैलेंटेड एक्टर हैं। कहने का मतलब ये है कि यार टैलेंटेड बंदा है, और मतलब कि यार कहते नहीं यार, एक होते हैं यूँ जैसे अपनी मेहनत पे आए हैं यहाँ तक, जितने भी अभी तक मूवीज़ की हैं उन्होंने, जैसे एक पीछे अभी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी इनकी वो करण जौहर के साथ, सो उन्होंने उसमें बताया था भाई मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने दम पर आया हूँ यहाँ पर। सो काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन होता है यार इस तरह की चीज़ें कि यार बंदा अपने दम पे यहाँ तक पहुँचा है, और अब उनकी ये न्यू मूवी का टीज़र आया है। सो चलिए देख लेते हैं टीज़र, और वीडियो पर एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो के बाद हम डिस्कशन करेंगे टीज़र के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। डिज्नी हॉटस्टार पे आएगी शायद ये मूवी। कार्तिक आर्यन भाई, लुक देखिए पहले से कितनी चेंज हुई है मूवी में लुक। BGM, कुछ सस्पेंस थ्रिलर लग रहा है यार BGM से, तो एक्सपेक्टेड मतलब यही लग रहा है BGM से। परफॉर्मेंस देखिए आप यार, एक्टिंग देखिए। सॉरी सर, कैप्ट यू वेटिंग। ओ भाई, सेकंड दिसंबर को आएगी। सो यार टीजर काफी अच्छा लगा मेरे को, और टीजर में सबसे पहली बात यार कार्तिक आर्यन की लुक। अभी तक जितनी मूवीज देखी हमने कार्तिक आर्यन की, मैंने जितनी देखी है पर्सनली यार, मैंने रोमांटिक मूवीज देखी है उनकी, कॉमेडी होती हैं जो ज़्यादातर। सो वहाँ से इस तरह से चेंज होना, मतलब करेक्टर में डिफरेंट में आना काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और इस तरह के करेक्टर में तो देखने के लिए यार कार्तिक आर्यन को मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब एक्टिंग देखिए यार, वो ऐसे नाच रहे थे, स्टेप कर रहे थे, और सर कीप यू वेटिंग, व्हाट अ डायलॉग सर, मतलब क्या कर रहे हैं यार मूवी में, राशन वाली फीलिंग आ रही थी कसम से मूवी से, जिस तरह के राशन मूवी थी ना उसी तरह से लग रहा है भाई कुछ कंटेंट, मतलब सस्पेंस थ्रिलर और मारधाड़, मतलब वो आपको सीन दिखाए जाएंगे काटमार वाले, सो इसी तरह का कंटेंट लग रहा है भाई टीजर से तो। और जो इसके डायरेक्टर है शशंका घोष, सो यार देखिए मैंने तो इनकी मूवी देखी नहीं भाई अभी तक, क्यों झूठ बोल लूँ यार, मैंने अभी तक इनकी कोई मूवी नहीं देखी है। और बात करें इस मूवी के बारे में, ये मूवी शायद डिज्नी हॉटस्टार पे आए, और बाकी पता नहीं यार क्योंकि क्या डील हुई है वो प्रोड्यूसर को ही पता होता है, सो जिनके पास इस मूवी के डिजिटल राइट होते हैं। बाकी भाई मैं तो ये कहूँगा कि इस मूवी को ना आप OTT में मत लेके आइए, इस तरह की यार मूवी देखिए, OTT पर अच्छी बात है लेके आ रहे हो, चलेगी OTT पर ऐसी बात नहीं, बट यार थिएटर में ना अलग ही नज़ारा है। कार्तिक आर्यन की यार परफॉर्मेंस देखने जाएंगे भाई हम तो कसम से, मतलब परफॉर्मेंस ही देखने जाते हैं यार एक्टर की, मतलब बंदे के पास भाई टैलेंट है, कहने का मतलब यही है मेरा तो, कि टैलेंट को सपोर्ट कीजिए चाहे वो कोई भी करे, बंदे में टैलेंट है और आज अपने टैलेंट की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं वो, और आई एम श्योर कि आगे इसी तरह से हमें हर एक मूवीज़ में डिफरेंट
कुछ ट्राई करने की कोशिश करते रहेंगे। सो एनीवेज गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज यार एक प्यार से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल के लिए सब्सक्राइब ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं सो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।